यार मैंने सही में कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कोई पीसी लूंगा, बट समहाउ दिस पीसी पीसी की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी स्टोरी। सो लैपी मैंने खरीदा था अराउंड 4 साल पहले, बट नॉट फॉर द पर्पस ऑफ वीडियो एडिटिंग। उस टाइम मैं लैपी मोस्टली यूज करता था गेम्स खेलने के लिए या फिर मूवीज देखने के लिए, बट मुझे नहीं पता था कि मूवीज देखने का इंटरेस्ट मुझे यहाँ ले आएगा। सो टुडे आई एडिट वीडियोस ऑन फ्रीलांस बेसिस। जो चीज एक एक्सपेरिमेंट की तरह स्टार्ट हुई थी ना 1 साल पहले, इज नाउ स्टार्टेड टर्निंग इनटू अ पैशन। इफ यू डोंट नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आप आई बटन पे जाके वीडियो देख सकते हो, वहां से आपको पता चल जाएगा। बट पैशन में भी तो प्रॉब्लम्स आती है ना, तो सेम प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी आई जो किसी भी बिगनर वीडियो एडिटर के साथ आ सकती है, स्पेशली अगर वो इंडिया में है। तो इनिशियली हम लोग प्रीमियर प्रो जैसे सॉफ्टवेयर का क्रैक वर्जन डाउनलोड कर देते हैं, वो भी लोअर वर्जन, ताकि हमारे सिस्टम पे वो चल जाए। यूट्यूब पे जाके सर्च भी करते थे कि हाउ टू रन प्रीमियर प्रो स्मूथली इन आर ओल्ड पीसी, और प्लेबैक रेजोल्यूशन हम एकदम लीस्ट करते थे 1/4 या फिर 1/8, ताकि प्रीव्यू करने में भी दिक्कत हो, लेकिन जब रेंडर निकले तो एटलीस्ट बहुत अच्छी क्वालिटी में निकले। बहुत सारे इफेक्ट्स और ट्रांजिशंस ऐसे होते थे जो हम चाहकर भी यूज नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमारे सिस्टम में जीपीयू नहीं होता था। और कलर ग्रेडिंग में भी अलग ही पंगे होते थे, हमने कलर ग्रेड कर तो दिया लेकिन जो हमने किया है वो कुछ सेकंड के बाद हमें दिखता था, अच्छा हमने ये किया है। आई स्टिल रिमेम्बर मैंने 40 मिनट की वीडियो एडिट की थी, जो एडिट होने में तो ठीक ठाक टाइम लगी थी, लेकिन उसको एडिट करने के बाद रेंडर करने में अराउंड 12 घंटे लगे थे। बट नॉट एनी मोर विद दिस बीस्ट। दिस पीसी इज नॉट जस्ट फॉर वीडियो एडिटिंग, बट इसमें मैं VFX, एनिमेशन और बहुत सारी चीजें भी करना चाह रहा हूँ। अंटिल देन कीप एडिटिंग।